हेलो दोस्तों, मैं सुभाषित बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जनवरी 2019 में आने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जनवरी 2019 में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे लॉन्च होंगे, लेकिन हम यहाँ पर टॉप 5 स्मार्टफोन की बात करने वाले हैं। और उम्मीदें ऐसी है कि शायद वो जो टॉप 5 स्मार्टफोन मैं आपको बताऊँगा उन्हें जनवरी में लॉन्च किया जाएगा और बेहद ख़ास वो होने वाले हैं। सभी एंट्री लेवल या मिड रेंज के स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाले हैं। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे आज टॉप 5 जो जनवरी 2019 में लॉन्च होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर घूमते फिरते उछलते कूदते सॉरी किसी भी तरह से आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुंच गए हैं, तो चैनल को जो नीचे लाल लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करेंगे जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाला है, प्राइस भी उसकी बहुत ज़्यादा किलर है। बात करेंगे हम यहाँ ओनर V20 की, जो कुछ दिनों पहले चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हुआ है ओनर के द्वारा, और शायद इसे 22 जनवरी को ग्लोबली एक इवेंट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो हो सकता है 22 जनवरी को इंडिया में भी आपको ये देखने को मिल जाए। अमेज़न का जो एक्सक्लूसिव है उस पर आपको नोटिफाई मी पेज भी दिखाई देता है ओनर V20 को लेकर। तो बहुत जल्द मतलब 22 जनवरी को कन्फर्म है कि ये इंडिया में आने वाला है। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी लाइफ मिलती है। किरिन का 980 वाला प्रोसेसर आपको 7nm जो चिपसेट पे बना हुआ है वो आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें ओ इन्फिनिटी पंच होल वाली डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है, जिसमें आपको 25 MP का कैमरा सेल्फी कैमरा जो है वो मिलने वाला है। साथ ही अगर रियर साइड के कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिलेंगे। 48 MP का कैमरा जो सोनी का IMX586 वाला लेटेस्ट फ्लैगशिप सेंसर है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, और जो सेकेंडरी कैमरा सेंसर मिलेगा रियर साइड में वो आपको 3D TOF यानी ये आपकी इमेज के डेप्थ कैच करने के वो काम आने वाला है। तो मतलब अगर फीचर्स के बारे में कैमरा वाइज देख लो, चाहे परफॉर्मेंस वाइज देख लो, प्रोसेसर वाइज देख लो, किसी भी तरह से आप अपने स्मार्टफोन को देख लो, ये ओनर का जो V20 है बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाला है इंडियन मार्केट में। तो देखते हैं कि 22 जनवरी को यहाँ पे किस प्राइस के साथ में, हालांकि चाइनीज़ मार्केट में इसका जो बेस वेरियंट है 6GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में, उसकी कीमत यहाँ पे 30,400 रुपये के आसपास रखी गई है, और जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है उसकी कीमत 35,000 के आसपास है। और जो इनका 8GB रैम में एक और एडिशन है 256 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में, तो उसकी कीमत यहाँ चाइना में 40,600 रुपये के आसपास में रखी गई। प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा किलर है अगर इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ में और इसी प्राइस में इंडिया में अगर ये स्मार्टफोन आ जाता है तो मतलब बहुत कड़ी टक्कर यहाँ मार्केट में होने वाली है, बहुत प्रीमियम स्मार्टफोन ये ओनर की तरफ से यहाँ पर होने वाला है। तो देखते हैं कि 22 जनवरी को ओनर किस खास प्राइस के साथ में इसको लॉन्च करता है, ये तो हमें 22 जनवरी को ही पता चलेगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे अगले स्मार्टफोन की, तो रियलमी एक ऐसी कंपनी जो 6 महीने पहले इंडियन मार्केट में आई थी और काफ़ी धूम उसने यहाँ पे मचाई है प्राइस को लेकर के, विशेषकर बजट प्राइस में आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स अवेलेबल करवाती है। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती है इंडियन यूज़र्स को कि रियलमी आपको कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब अट्रैक्टिव प्राइस में यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देने वाली है। तो यहाँ पे रियलमी का A1 उसके रूमर्स निकल के आ रहे हैं, शायद से इसे जनवरी 2019 में लॉन्च कर दिया जाएगा, और शायद कन्फर्म ही है कि इसको 2019 में जनवरी में लॉन्च कर दिया जाएगा। हीलियो का P70 वाला प्रोसेसर होगा कि P90 वाला प्रोसेसर होगा ये तो हमें नहीं पता, होगा इन दोनों में से एक। लेकिन यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप डिज़ाइन भी इसमें देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी इन डिस्प्ले नहीं मिलेगा, रियर साइड में ही देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हम कयास लगाए जा सकते हैं कि या तो ये एंट्री लेवल का सी सीरीज़ का स्मार्टफोन होने वाला है, या फिर ये रियलमी U1 से नीचे लगभग 10,000 रुपये के आसपास में ये स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन इसकी एग्जैक्टली प्राइस और जो फीचर्स है वो तो हमें जनवरी 2019 में ही पता चलेंगे और मैं आपको ज़रूर से बताता रहूँगा। और दोस्तों अगले स्मार्टफोन यहाँ पे सैमसंग के M सीरीज़ के स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो हो सकता है जनवरी में M सीरीज़ का कोई एक स्मार्टफोन M10, M20 और M30, जिनको M1, M2 और M3 नाम से यहाँ पे लोग बुलाते हैं,
तो M1 को यहाँ पे सबसे पहले जनवरी में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, या फिर हो सकता है ग्लोबली इसे लॉन्च कर दिया जाए। तो इसमें आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है, बहुत बड़ी बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे सैमसंग की तरफ से इन्हीं तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। शायद से M1 को जनवरी में लॉन्च किया जाएगा और धीरे धीरे बाकी दो स्मार्टफोन को भी यहाँ इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या खास यहाँ पर रहता है सैमसंग की तरफ से इन्हीं एम सीरीज़ के स्मार्टफोन में, ये तो हमें जनवरी 2019 में ही पता चलेगा। और दोस्तों अगला नाम यहाँ पे टेनोर का है। टेनोर इंडियन मार्केट में यहाँ पे बहुत बजट प्राइस में अपने स्मार्टफोन लेके आती है। बहुत कम यहाँ पे स्मार्टफोन टेनोर ने लॉन्च किए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस टेनोर के स्मार्टफोन हुए हैं। फिलहाल कुछ दिनों पहले टेनोर G1 इंडियन मार्केट में आया था, जिसने काफ़ी धूम यहाँ पे मचाई थी। तो वो आपको स्नैपड्रैगन के 626 वाले प्रोसेसर के साथ में देखने को मिला था, लेकिन अब टेनोर G2 है वो उसके लीक्स निकल के आ रहे हैं कि जनवरी में उसको लॉन्च कर दिया जाएगा और शायद से उसमें स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर होने वाला है। तो देखते हैं कि टेनोर अपने स्मार्टफोन के साथ में क्या कुछ खास करता है। गीकबेंच की वेबसाइट पर इसकी लिस्टिंग देखी गई है, तो वहाँ पर 6 GB तक की रैम आपको यहाँ पर मिलती है, ये भी वहाँ पर देखा गया है। अगर टेनोर अपने G2 स्मार्टफोन को अगर लॉन्च करता है 15,000 के नीचे वाली प्राइस में, तो यहाँ पे बहुत कुछ बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर यहाँ इंडियन मार्केट में होने वाली है। तो देखते हैं टेनोर अपने स्मार्टफोन जो G2 आने वाला है उसको किस प्राइस में और कौन से फीचर्स के साथ में लॉन्च करता है, ये हमें जनवरी में देखने को मिल जाएगा और मैं ज़रूर से आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ वीवो का एक नया स्मार्टफोन जनवरी 2019 में लॉन्च होगा। वीवो के डायरेक्टर की ओर से भी ये लीक्स निकल के आए हैं। इसके अलावा एक गीकबेंच की वेबसाइट पर भी यहाँ पे लीक्स निकल के आए हैं कि वीवो का एक स्मार्टफोन 2019 जनवरी में आने वाला है और इंडिया में उसे सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। तो शायद ये वीवो का V12 Pro हो सकता है या फिर Z83 के नाम से इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो आपके फर्स्ट हाफ में इसको लॉन्च किया जा सकता है। और अभी इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कौन सा इसमें प्रोसेसर होगा, कौन सा इसमें रैम होगी, कौन सा इसमें रोम होगा और कितना क्या इसके मेगापिक्सल के कैमराज होने वाले हैं, ये कोई भी लीक अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हो सकता है 15 जनवरी तक फर्स्ट हाफ जनवरी में इसको लॉन्च किया जा सकता है वीवो की तरफ से, जो बहुत कुछ खास यहाँ पे वीवो की तरफ से होने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो देखते हैं कि वीवो अपने V12 Pro या V83 किसी भी नाम से स्मार्टफोन आएगा तो इसमें क्या कुछ खास करता है, ये तो हमें हाफ जनवरी में ही पता चलेगा और मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर से देता रहूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये टॉप अपकमिंग 5 स्मार्टफोन जो है जनवरी 2019 में इंडिया में ये लॉन्च होंगे, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया और हो सकता है ये सीरीज़ में हर महीने आपके लिए लेके आऊँगा, महीने के लास्ट में आपके लिए ये वीडियो में आपके लेके आऊँगा, तो ताकि अगले महीने में जो भी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे टॉप 5 उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो सीरीज़ है टॉप अपकमिंग 5 स्मार्टफोन वाली, हर महीने अगर आपको मैं दे दूं तो आप कैसा रहेगा, वो मेरे को सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक न्यूज़ के साथ में, किसी नए रिव्यू के साथ में और किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।